नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजिता और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नोएडा में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी का भंडाफोड़, 17 महिलाओं सहित 33 गिरफ्तार। रेत अवैध खनन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों को नोटिस। असम और बिहार में बाढ़ से अब तक 158 की मौत, 31 जिलों में 1.17 करोड़ लोग बाढ़ से पीड़ित। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 3 बम धमाके, 5 की हुई मौत, 10 लोग घायल। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बीएम येदियुरप्पा ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, शुक्रवार की शाम को लेंगे सीएम पद की शपथ। और खबरें विस्तार से। नोएडा जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक फर्जी कंपनी का पर्दाफाश कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 17 महिलाएं भी शामिल हैं। साइबर सेल टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल द्वारा की गई जांच में पता चला कि लोन दिलवाने के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से ठगी करने वाली कंपनी का कार्यालय नोएडा के सेक्टर 3 में स्थित है। मध्य प्रदेश में जारी अवैध रेत खनन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों समेत केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस SA बोबड़े की बेंच को बताया कि इन राज्यों में बिना पर्यावरण विभाग मंजूरी के अवैध खनन हो रहा है। असम और बिहार में बाढ़ से मरने वाले का आंकड़ा 158 तक पहुंच गया है। वहीं दोनों राज्यों के 31 जिलों में 1,17,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ से 75 लोगों की मौत हो गई है। 7 जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक राज्य में 18 जिलों में स्थित 2,753 गांवों के 34,92,734 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि बिहार में बाढ़ से 13 प्रभावित हैं। अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के 13 जिलों में बाढ़ से 82,12,000 लोग प्रभावित हैं। सरकार की तरफ से राहत बचाव और लोगों के पुनर्वास की कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बम धमाकों से एक बार फिर दहल गई है। जानकारी के मुताबिक यहां लगातार 3 बम धमाकों को अंजाम दिया गया है। इन बम धमाकों में 5 लोगों की मौत हो गई है। लगातार 3 बम धमाकों से काबुल में हड़कंप मच गया है। अफगानिस्तान पुलिस का कहना है कि एक आत्मघाती हमलावर ने बस के सामने खुद को खड़ा कर लिया। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। कर्नाटक में HD कुमार स्वामी की सरकार गिर जाने के बाद अब नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के BS येदियुरप्पा शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुक्रवार सुबह 10 बजे उन्होंने राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। BS येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बताया कि वो शुक्रवार शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। SDM बंगले के बाहर सड़क पर महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। सिविल अस्पताल डबरा में नर्सों ने मैटरनिटी वार्ड में एक महिला को खून की कमी बताकर इतना डरा दिया कि डिलीवरी कराने आई महिला के परिजन डर के मारे अस्पताल से बाहर चले गए और महिला ने SDM बंगले के बाहर ही मुख्य सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल देवगढ़ गांव निवासी राधा देवी को प्रसव पीड़ा के दौरान 108 एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां 108 का चालक राधा देवी को मैटरनिटी वार्ड में नर्सों के भरोसे छोड़कर चला गया। इसी बीच नर्सों ने राधा देवी को खून की कमी बताकर डरा दिया और ग्वालियर रेफर करने की धमकी देती रही। अस्पताल में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने इन घटनाओं से अब तक कोई सीख नहीं ली, जिससे परिणाम स्वरूप संसाधन होने के बावजूद महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। डबरा से आशिफ खान की रिपोर्ट। उसकी पूरी जानकारी है, महिला अस्पताल में आ चुकी है, यही भर्ती है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। हुआ क्या कि ये देवगढ़ की रहने वाली है और करीब 4 बजे शाम को आई है। अभी 108 से ही आई है ये अस्पताल में और आके उसको सिस्टर, यहाँ अस्पताल आई तब सिस्टर में और भी स्टाफ था जो उनके द्वारा देखा गया और उसको बताया गया कि इसको थोड़ा खून की कमी है और हो सकता है ग्वालियर ले जाना।
दमोह के सिद्ध क्षेत्र श्री बड़ी देवी मंदिर परिसर में नागदेव बाबा का भी मंदिर है। लोगों का कहना है कि हर साल श्रावण मास में नागदेव बाबा दर्शन देते हैं और बाबा के दर्शन के लिए भक्त उतावले रहते हैं। देवी मंदिर स्थित शिवालय में शाम को अचानक एक काला सर्प आ गया, जिसे देखकर भक्त भयभीत हो गए। वहीं मंदिर के पुजारी ने भक्तों से कहा, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव भक्तों को दर्शन देने आए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सनातन धर्म में हर कोई व्यक्ति शिवजी का पूजन करता है और श्रावण मास में कहीं भी सर्प देखने पर उसे शिवजी का दर्शन होना मानते हैं और मंदिर में सर्प का दर्शन हो जाए तो इसे चमत्कार ही माना जाता है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। माँ बड़ी देवी मंदिर में भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे लगभग 10 बजे दर्शनार्थियों ने देखा कि उनके परम भक्त शेषनाग जी महाराज मंदिर में विराजमान थे। सभी ने उनके दर्शन किए और बहुत ही विराट स्वरूप में उनने सभी भक्तों को दर्शन दिए और लगभग 15-20 मिनट सभी को दर्शन देकर वो अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। केंद्र व प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और है। मामला पन्ना जिले के पिछड़ा बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का है, जहां बाहर से पढ़ने आए बालक नागरिकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, विभागीय अफसर अनजान बने हुए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत खराब है और यहाँ पर गंदगी बहुत है और हम लोगों को पशुओं की तरह यहाँ पर रखा जाता है और जिसके कारण ना तो पानी आ रहा और यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। अधीक्षक भी यहाँ देखें और गंदगी बहुत है। पन्ना से शिवकिशोर पांडे की रिपोर्ट। डबरा में निर्माण कार्य का कवरेज करने गए एक पत्रकार को ठेकेदार ने जान से मारने की धमकी दी है और गड्ढे में उसे पटक दिया और ठेकेदार के साथ ही गाली गलौज करने लगी। पत्रकार साथियों की मदद से पत्रकार बच गया, अन्यथा उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सिटी पुलिस ने पत्रकार के आवेदन पर आरोपी ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। स्टेशन पर जो बिल्डिंग का कार्य चल रहा था रेलवे ठेकेदार द्वारा, तो मैं वहाँ पहुँचा था तो कवरेज करने के लिए, तो उन्होंने मेरे साथ जो है कवरेज करने से मुझे रोका और मेरे साथ अश्लील गालियाँ दी, मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे को एक वहाँ जो JCB लगी हुई थी उसमें जो गड्ढा खोदा गया उसमें मेरे को धकेल दिया, धक्का मुक्की भी की है। वहाँ पर 4 लोग थे, इन्होंने 4 लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, इसलिए मैंने जो है आज सिटी थाने में आकर उनके खिलाफ FIR के लिए आवेदन दिया है, उन पर कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन पे बुकिंग का कार्य चल रहा है जिसमें कि घटिया सामग्री लगाई जा रही थी जो इनके द्वारा वहाँ की फोटोग्राफी की जा रही थी, तो ठेकेदार राकेश द्वारा अभ्यर्था की गई, इनके साथ गाली गलौज भी की गई और धक्का मुक्की भी किया गया। उनके आवेदन पत्र पर राकेश ठेकेदार उनके साथियों के खिलाफ में केस कायम कर दिया गया। दतिया जिले के मंडी सचिव ने डबरा में अवैध रूप से चावल बेच रहे एक ट्रक चालक को पकड़ा, जो भांडेर क्षेत्र से भरकर लाया था। मंडी सचिव ने लोडिंग गाड़ी में भरे चावल जब्ती बनाई है और SDM रिपोर्ट कर दिया। ट्रक चालक के पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, अब पूरे मामले की जांच फूड अधिकारी कर रहे हैं। वहीं इंदरगढ़ निवासी ट्रक चालक संतोष साहू का कहना है कि चावल को चिनौर रोड स्थित कैलाश साहू के यहाँ बेचने के लिए आया था। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय में प्रशासन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला कलेक्टर BS जामोद ने किया। रक्तदान शिविर में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया। कलेक्टर ने कहा कि रक्तदान महादान है, जो पीड़ित मानव के लिए प्राण प्रदान करने वाला है। यह एक मानवीय कार्य है जिसमें हमें आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नगर में एक दर्दनाक घटना घटी है। यहाँ का रहने वाला अरबाज खान पुत्र गुड्डू खान अपना वाहन धोने केंद्रीय विद्यालय के पीछे बने तालाब में पहुंचा, जहाँ गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। राजगढ़ से सुनील कुमार मेवाड़ी की रिपोर्ट। सतना जिले के रामपुर बघेलान में विगत 8 वर्षों से संचालित महाविद्यालय में सभी संकायों के खोले जाने की मांग कांग्रेस नेता सतीश शुक्ला ने उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से की है। कांग्रेस नेता सतीश शुक्ला ने बताया कि विगत 15 वर्षों से प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा रामपुर बघेलान के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया गया है, जिसका उदाहरण है कि घोषणा के बावजूद 12 वर्षों में ITI का संचालन नहीं हो सका और ना ही सरकारी कॉलेज में BA के अलावा कोई भी संकायों को
खोला जा सका है। जीतू पटवारी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही नगर में सभी संकायों को खोला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।